अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मुझे काइंडली चैट में कंफर्म कर दीजिएगा जी। बिल्कुल, आपको इसलिए आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा था उस टाइम। कुछ लोग हमें ज्वाइन कर रहे थे, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जुमे का भी आज दिन है। जुमे का मुबारक दिन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आप। और आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी ने हमें और भी ज्वाइन करना होगा वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आज की ट्रेनिंग हमारी है सेलिंग मेथड के लिहाज से। हम देखेंगे कि ओरिफ्लेम हमें सेलिंग मेथड के बारे में क्या बताता है। हम बात करते हैं बीपी की, अपने पर्सनल बीपी की। हम बात करते हैं अपने ग्रुप बीपी की, और हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के हवाले से बात करते हैं। तो जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप बिल्कुल आवाज साफ आ रही है जी सबको। थैंक यू वेरी मच मैम फाइजा, थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं जी अब सेलिंग की, कि सेलिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, फिर हम इसके कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा, और उसके बाद जो है हम ये भी देखेंगे कि ओरिफ्लेम हमें क्या बताता है सेलिंग के हवाले से, और हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर सेलिंग के हवाले से क्या क्या गाइडलाइंस मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी एक छोटी सी दुआ से जी। आपको पता है जुमे का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे गुनाहों को माफ करे, और हमें ये जो एक हम सफर कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए और हमें दोज़ख़ की आग से महफूज रखे। आमीन जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सेलिंग की। इससे पहले कि मैं आपको प्रेजेंटेशन शुरू करूं, थोड़ी सी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे। आप सबको इस चीज के बारे में पता है कि सेलिंग क्या होती है और सेलिंग की अहमियत क्या है, हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेस बनाते हैं एक छोटी सी कंपनीज कन्वर्सेशन की। देखिएगा जी, अगर हम बात करते हैं आजकल की या किसी भी टाइम के ऊपर, जो दुनिया की इकोनॉमी को लोग रन कर रहे होते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयज बेसिकली। ठीक है, देर आर मल्टीपल बुक्स, देर आर मल्टीपल लर्निंग्स, जिसमें हमने ये चीज देखी है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे होते हैं। जितने दुनिया के बिजनेसमैन हैं वो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं। अगर किसी भी मुल्क में बिजनेस रुक जाए तो एम्प्लॉयज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, हमें भी इस चीज के बारे में पता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क भी जोन सा है वो ज्यादा बिजनेस में रखा हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे जितने भी लोग इस टाइम मौजूद हैं, आप लोग अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप वो लोग हैं जो कि अपना एक वे बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए सोर्सेज भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने नेटवर्क में इजाफा करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं और उनको भी बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी को बिजनेसमैन रन कर रहे होते हैं जी। मेन उनका कंट्रीब्यूशन होता है, सेकंड नंबर पे लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं जिनका डेयरी का काम है, जिनका फार्मिंग है, और या उनको जो उनसे विरासत में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिली होती है, जमीनों वाले लोग। तीसरे नंबर पे जो लोग आते हैं वो दुनिया के एम्प्लॉयज आते हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो मेन कौन होते हैं? बिजनेसमैन, एंड यू आर बिजनेसमैन बेसिकली। ठीक है जी, तो हमें इस चीज का पता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा अर्निंग, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी बिजनेस पर्सन पे होती है जी। ठीक है, इकोनॉमी की। अब सेकेंडली, क्या दुनिया का कोई भी बिजनेस सेल्स के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो कि सेल्स के बगैर एग्जिस्ट कर जाए, बिजनेस जिसे अर्निंग हो सके? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमेजोन की, अमेजोन के ऊपर जो है अगर चीजें सेल ना हो रही हो, या ओएलएक्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, या हम ई कॉमर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं,
हम किसी भी फूड बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं, इज इट पॉसिबल कि वो फूड बनाए उसको सेल ना करें और वो अर्न कर सकें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाए और उनको सेल ना करें और वो पैसे अर्न कर सकें? या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया की बड़ी बड़ी स्मार्टफोन की कंपनीज मोबाइल फोन या लैपटॉप की कंपनीज लैपटॉप बना बना के रख लें और उनको सेल ना करें और वो अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश हो जाएं और वो अपनी एक जगह बना लें? मेरे नॉलेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप में आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बिजनेस है प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसमें सेल के बगैर बिजनेस रन हो सकता हो। दैट विल बी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो अगर सेल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल के बगैर दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस रन नहीं हो सकता, इट मींस व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से एक चीज बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सेल करने से आपकी अहमियत कम हो जाएगी या सेल करने का काम कोई अच्छा काम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर बैक ऑफ द माइंड आई डोंट नो फॉर सम हाउ ये चीज बैठ जाती है कि सेलिंग हम नहीं कर सकते जी, बाकी हमसे जो मर्जी काम करा लो, हम नौकरी कर लेंगे, हम सेलिंग नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी बिजनेस सेलिंग के बगैर नहीं रन हो सकता। सबसे पहले हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। एंड सेलिंग इज समथिंग जो कि प्रिविलेज्ड है। अब सेलिंग होती क्या है? अगर हम सेलिंग की बात करते हैं, व्हाट इज सेल्स एंड परचेज? देखिएगा हमारी अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं कि सेल क्या होती है, एक सेल की एक्टिविटी क्या होती है, वो ये होता है कि जब भी आप कोई चीज मार्केट से या किसी भी फॉरम से कुछ पैसों के इवेज खरीद लेते हैं, ठीक है, कोई करेंसी कोई पैसे के दे के आप कोई चीज खरीद लेते हैं। आजकल ट्रेडिशनल सेल तो यही है ना, कोई आइटम कोई आप चीज ले लेते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कोई सर्विसेज ले लेते हैं, दैट इज सेल्स। दैट एक्शन इज कॉल्ड एक सेल की एक्टिविटी। आप समझे कि एक सक्सेसफुल सेल हो जाती है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल्स है इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, नॉर्मली मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल हो रही होती हैं, या क्या क्या चीजें हम खरीद रहे होते हैं। इसमें भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात कर जी बिल्कुल, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई मैम मलिजा, बाकी लोगों के लिए भी मैं अभी थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ, फिर इसके बाद हम ट्रेनिंग की तरफ मूव करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं, उसके बाद फिर हम जो है ट्रेनिंग जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन भी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको इसमें डिस्टर्बेंस ना हो जी। ये लीजिएगा जी, ये आपके साथ मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ सेलिंग मेथड्स की। हमारे पास ये स्टेप वन की ट्रेनिंग के अंदर इसका फोर्थ पार्ट है जिसको हम डिटेल में आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर पर्सनल बीपी ग्रोथ की। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेल क्या होती है। कुछ पैसों के वे जब आप कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उसे हम एक सेल की एक्टिविटी कहते हैं, आप कुछ पैसे के जरिए कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिएगा सेल के अंदर जब हम बात करते हैं, दुनिया में दो तरह की अगर हम मेजर कैटेगरीज को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो तरह की हमारे पास ऑप्शंस नजर आती हैं। एक कि आप पैसे खर्च करके कोई प्रोडक्ट खरीद लें, ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक लैपटॉप, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, अपना मोबाइल फोन, दैट इज अ प्रोडक्ट जो कि आप खरीद रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो प्रोडक्ट आ जाती है जो कि आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट। आपने अगर ये इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंटेशन में मौजूद नहीं होगी, हम प्रेजेंटेशन में मेथड्स को कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी ताकि बेस बन सके, ठीक है। तो एक हमारे पास होती है टेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, दूसरी जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल प्रोडक्ट, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास प्रोडक्ट भी दो टाइप की है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि हम खरीद भी रहे होते हैं, सेल भी कर रहे होते हैं। मैं अभी ओरिफ्लेम की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिफ्लेम की तरफ आ जाता हूं, अभी इसकी तरफ भी हम आ जाएंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जर्नल। कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे होते हैं, एक टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल होती है।
टेंजिबल प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जितनी भी आप चीजें खरीद रहे होते हैं, आप इवन के खाने पीने की जो चीज खरीद रहे होते हैं, फ्रूट खरीद रहे होते हैं, दैट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होती है उनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक सर्विसेज। बाज़ोगात आप कुछ सर्विसेज खरीदते हैं, वो सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे आपके पास डेटा सर्विसेज हैं, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, आपके पास कॉलिंग कनेक्शन है, एसएमएस की सर्विसेज है, इस तरह की वैल्यू एडेड बेतहाशा सर्विसेज मौजूद हैं जो कि आप खरीदते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लिहाजा हमने बात की है अभी टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल प्रोडक्ट की। मैं आगे जाके इसको अपनी ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट भी करूंगा, लेकिन इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि दो तरह की प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही होती है, एक टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल में सारी वो चीजें आ जाती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं मैक्सिमम, जो आप खरीद रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, ठीक है। इन द मार्केट यू कैन बाय फ्रॉम टू कैटेगरीज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सर्विसेज आ गई इनटेंजिबल में। अब अगर हम बात करते हैं ओरिफ्लेम की, ठीक है, ओरिफ्लेम की अगर हम बात करते हैं, ओरिफ्लेम में हमारे पास कौन कौन सी दो तीन चीजें मौजूद हैं जिनको हम इनमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ओरिफ्लेम में हम क्या सेल कर रहे होते हैं, अगर हम ओरिफ्लेम में रिकमेंडेशन की और सेल की बात करते हैं तो हम क्या चीजें सेल कर रहे होते हैं? क्या हमारे पास सिर्फ इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, या हमारे पास टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हैं, या हमारे पास खाली टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं? मेरा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मैसेज में इसका रिप्लाई कीजिएगा कि ओरिफ्लेम में हमारे पास टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। व्हाट डू यू थिंक, आई नीड योर रिस्पांस इन द टेक्स्ट मैसेज। टेंजिबल है हमारे पास, मैम मिसबा ने कहा जी, मैम मिसबा ने, मैम नबीला ने भी कहा कि टेंजिबल है, मैम जैनब ने भी कहा टेंजिबल हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबरदस्ती सारों ने टेंजिबल, बहुत ज्यादा मैम फायजा, मैम निमरा, मैम खदीजा, सब लोग मैक्सिमम कह रहे हैं हमारे पास टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। अब ये देखिए, मैम फाइजा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, बोथ। तो मैम फाइजा दोनों है, कुछ लोगों ने लिखा है दोनों है, तो जिन्होंने लिखा है दोनों है, टेंजिबल के अंदर तो हमारे पास हमारी सारी प्रोडक्ट्स आ गई, स्किन केयर, हेयर केयर, एक्सेसरीज, सब कुछ आ गया, तो इनटेंजिबल क्या है ये मुझे बताइएगा। मैम सुमरा, इनटेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों है, मैम असमत जबीन ने भी ये लिखा है दोनों है, मैम नबीला ने भी लिखा है, तो मुझे प्लीज बताइएगा कि इनटेंजिबल हमारे पास क्या ओरिफ्लेम के अंदर। ट्रेनिंग मेथड, स्ट्रेटजीज, जबरदस्त, ये तो वो चीजें हैं जो कि आप सर्विसेज बिल्कुल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं। प्रॉफिट हमारे पास, अच्छा ये अब आप उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट वैसे पैसों में होता है, तो दैट इज समथिंग जो कि आपको मिलता है, तो वो तो एक कैश ही है ना एक किस्म का। एक्सेसरीज हमारे पास, एक्सेसरीज टेंजिबल है ना, एक्सेसरीज को यू कैन टच, यू कैन फील। देखिएगा आप लोग, अब आई, बहुत सारे लोग ठीक आंसर दे रहे हैं कि इनटेंजिबल भी और टेंजिबल हमारे पास दोनों है। परफ्यूम्स जो है हमारे पास वो भी टेंजिबल है जी, ये सारी की सारी जो आप ऑप्शन बता रहे हैं अभी, ये टेंजिबल ऑप्शन है। जो इनटेंजिबल हमारे पास है ना, कंपनी कमीशन इज ऑल्सो नॉट इनटेंजिबल, दैट इज ऑल्सो टेंजिबल। आप कमीशन को टच कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं उसके लिए। नेचर के करीब होना इज नॉट इनटेंजिबल। कंसल्टेंसी इज इनटेंजिबल, लेकिन हम इसको सेल नहीं कर रहे होते, लेकिन यू आर राइट टू सम एक्सटेंट। मैम रिहाना साबरी ने यहाँ पे लिखा कंसल्टेंसी, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई, ये आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग पॉइंट यहाँ पे मैंशन कर दी है। हमारे पास सेल करने के लिए तो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि टेंजिबल है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये जो आपने लिखा है मैम मिकरा यूसुफ के, हमारे वैल्यू, मिशन ऑफ कंपनी, विजन हमारे पास, ये बिल्कुल इनटेंजिबल है, लेकिन अगर हम इनटेंजिबल को एक कैटेगरी में डालते हैं तो वो हमारी ये सारी चीजें बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ जाती है, ठीक है जी। तो हमारे पास टेंजिबल में प्रोडक्ट्स आ गए सारे के सारे, स्किन रेंज, एक्सेसरीज, हेयर केयर, मेकअप, मल्टीपल जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी हमारी टेंजिबल है, लेकिन इनटेंजिबल के अंदर हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा आप यकीन कीजिएगा, आई डोंट नो कि आपके पास पास्ट में कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस का या बाकी चीजों का,
मेरे पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल जगहों के ऊपर काम किया हुआ है। ये दोनों चीजें बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है जो आपके पास अवेलेबल होती हैं सेल करने के लिए। आपके पास बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है जो कि आप प्रमोट कर सकते हैं, अपना नेटवर्क ऐड कर सकते हैं और उससे आपको इनकम मिलती है एवेंचुअली। सेकेंडली आप प्रोडक्ट को सेल करके जो कि आपकी टेंजिबल कैटेगरी में आती हैं तो भी आप इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लिहाजा आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ साथ आपकी जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है। लिहाजा आपके पास प्ले करने की, बिजनेस रन करने की ग्राउंड्स ज्यादा मौजूद हैं। अब नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसके ऊपर किस तरीके से अपना वे फॉरवर्ड बनाते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको कुछ टिप्स देने के लिए जा रहा हूं और मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। वंस अगेन दिस इज नॉट इन प्रेजेंटेशन, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि अगर आपने अपने 100 बीपी पे काम करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंट वे में बताया था, आप मैं आपको थोड़ी सी नई टिप्स बता रहा हूँ सेलिंग मेथड्स की। हर ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको एक नया तरीकाकार बताता हूँ, ब्रीफ होता है लेकिन अगर आप में से किसी के लिए भी वो सूट कर जाए तो दैट कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे इन योर बिजनेस। चलिए जी, मैं आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। वंस अगेन दिस इज नॉट इन पीपीटी, लिहाजा मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के कैमराज गलती से ऑन रह जाते हैं प्लीज उसको ऑफ कर दिया करें। एट टाइम जब आप ज्वाइन करते हैं आपको पता भी नहीं होता और आपका कैमरा जो है वो ऑन होता है, तो आप काइंडली उसको हमेशा ऑफ कर दिया करें। जो है आपके पास जहाँ पे माइक क्रॉस करने की ऑप्शन आ रही होती है उसी जगह पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है जी कैमरा को ऑफ करने की, सिर्फ क्रॉस का साइन आ जाए तो यू कैन ऑफ इट। ठीक है, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम चल के वो थोड़ी सी टिप्स देखते हैं कि आप सेल कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें एरियाज हैं जिन पे आप फोकस करके अपने 100 बीपी और अपनी ओवरऑल सेल हर किस्म की इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल बताने लगा सेलिंग की जिसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर एक हमारे पास कैटेगरी आ जाती है कंसल्टेटिव सेलिंग, कंसल्टेटिव सेटिंग सेलिंग, ये एक हमारे पास टाइप है सेलिंग की। ठीक है, मेथड्स हम अभी चल के डिस्कस करते हैं लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं। कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है जी, जब आप किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, रिमेंबर आप लोग ब्रांड पार्टनर्स हैं लेकिन उसके साथ साथ आप कंसल्टेंट भी हैं। जो एक कंसल्टेंट होता है उसके पास नॉलेज का होना अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स का पता होना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो नॉलेज है ये इवेंचुअली आपकी सेल्स इंक्रीज करता है। सेल्स इंक्रीज करने का फायदा ये होता है कि बिजनेस इंक्रीज होता है, आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपका कमीशन ज्यादा हो जाता है। तो जब भी आप किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्यूटी कंसल्टेंट है, आपके पास आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से सफिशिएंट नॉलेज मौजूद है, लोगों को बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। ये एक आप यकीन करें, आप बिलीव इट और नॉट, दिस इज अ एरिया जिसके अंदर हर एक को कंसल्टेंसी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लाहौर में अभी अवेयरनेस नहीं है इस चीज की कि स्मोक के स्किन के ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपको पता है लाहौर इज अ सिटी, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी तरह हर जगह पे प्रॉब्लम्स चलती हैं और मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, लेकिन लाहौर तो इस टाइम आपको पता है नंबर सेकंड पे है पूरी दुनिया में स्मोक के लिहाज से। इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए, लेकिन ये एक चैलेंज है जब आप बाहर जाते हैं। ठीक है, इवन कि आपने मास्क भी पहनना होता है, आपकी आंखों में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है टाइम्स, आपका फेस आपके आपका देखिएगा कुछ अर्सा अगर आप मास्क पहनते हैं और बाहर आपका जाना ज्यादा होता है तो आपका जो फोरहेड है उसका कलर चेंज हो जाएगा, आपका नोज का कलर चेंज हो जाएगा, आपके लिप्स डिफरेंट होंगे, आपको ये थोड़ा सा एक वो जो आपका आप समझ लें कॉम्प्लेक्शन में मल्टीपल आपके वो जो उनसे टोन्स नजर आ रही होंगी। तो ये दैट इज अ चैलेंज बेसिकली, लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। हमारी स्किन अगर हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू समबडी
जो कि यूरोप में या ऐसे एटमोसफेयर में है जिसके दो तीन साइड के ऊपर सी है, या किसी आइलैंड पे मौजूद है जहां पे एटमोसफेयर क्लीन है, जहां पे पोल्यूशन कम है, उन लोगों की स्किन हमसे बेहतर होती है। ठीक है, हमारे साउथ एशिया का जो स्किन टाइप और नेचर है दैट इज डिफरेंट, एंड नाउ दिस इज एन इश्यू बेसिकली जो कि हम एज अ नेशन भी फेस कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बींग भी फेस करते हैं। अपने आप का ख्याल रखना दिस इज समथिंग जो कि हमें मोस्टली हर रिलीजन बता रहा होता है कि अपनी जात का ख्याल रखना चाहिए, अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग जो कि हम लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, उनको तरीकेकार भी बता सकते हैं। अब ये चैलेंज जो लोग फेस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों में अवेयरनेस इस चीज की कि एक चैलेंज है, और उसका उसके ऊपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। ठीक है, और साथ साथ जब आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप उनको बताते हैं कि दिस इज अ चैलेंज, दिस इज, जैसे मैंने अभी आपको डिटेल्स बताई हैं, थोड़ा सा ब्रीफली एनालिसिस शेयर किया है स्किन टाइप्स के हवाले से कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब नाउ आप जब इसका उनको डिटेल्स बता रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि इसका हल क्या है, ठीक है, तो नाउ दिस इज समथिंग जो कि आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं। एक तो ये तरीकेकार होता है कि जिसके जरिए आप सेलिंग कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग की। आपको पता है हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, अब हम सोशल सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जैसे कि एक इंडस्ट्री भी है, लेकिन एक तरीकेकार भी है सेलिंग का, जिसमें आप डायरेक्टली लोगों को एक ऑप्शन बता देते हैं। आप बता देते हैं कि हमारी एक नई स्किन केयर रेंज आ गई है, आप बता देते हैं कि हमारे पास ये नई प्रोडक्ट कैटलॉग में आ गया, दिस इज अमेजिंग, ये एक नई प्रोडक्ट आ गया जो कि लीफलेट में अवेलेबल है, ये सेल्स एक्शन के अंदर अवेलेबल है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट अपनी शॉपिंग कितने की करते हैं तो आपको ये चीज जो सी है काफी इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाती है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको चीज मिल रही होती है। ठीक है, अब ये आप क्या कर रहे हैं जी, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को डायरेक्ट अपनी ऑफर और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और मल्टीपल लोगों को बता रहे हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंसल्टेंसी। ठीक हो गया। फिर एक कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सोल्यूशन सेलिंग की। सेलिंग की कैटेगरी है सोल्यूशन सेलिंग। सोल्यूशन सेलिंग के अंदर क्या होता है, आप लोगों को बेसिकली उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताते हैं, हल बता रहे होते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमें ओरिफ्लेम भी बताता है। ओरिफ्लेम भी हमें इस चीज के बारे में डिटेल्स बताता है कि सोल्यूशन इज समथिंग जो कि हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोगों की जिंदगी आसान कर रहे होते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए भी और हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के जरिए भी। बेनिफिट्स यू नो कि इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो, नॉलेज होना प्रोडक्ट के बारे में, अपनी एज ऑन द मार्केट आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है, ख्वा वो प्राइस है, ख्वा वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ख्वा वो आपकी प्रोडक्ट की बैकग्राउंड और आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं। आप जब आपको इन चीजों के बारे में पता होता है फिर आप लोगों के प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आपके पास मल्टीपल लोग, जब उनको पता होगा कि आपका ये स्पेशलाइज्ड एरिया है तो वो आपको कंसल्टेंसी, जैसे जस्ट लाइक डॉक्टर, ठीक है, वो आपसे कंसल्टेंसी लेंगे, आपसे पूछेंगे, या आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स में भी, अपना फेसबुक का पेज आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन प्रोवाइड देम सॉल्यूशंस। नाउ दिस इज एन आइडिया। लोग पूछते हैं कि हम अपना फेसबुक के बिजनेस पेज किस तरह का बनाएं, हमें समझ नहीं आ रही, सब लोग इसी तरह का बनाते हैं, ब्रांड का नाम भी होता है। नाउ दिस इज अ थ्योरी बिहाइंड योर बिजनेस पेज, जिसमें आप एज अ कंसल्टेंट अपने आप को शो कर रहे होते हैं जो कि ब्यूटी कंसल्टेंट, एंड यू एक्चुअली नो कि इसका मतलब क्या है, कि आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स के। मेरी स्किन जोन सी है वो डार्क है, उसके ऊपर डिफरेंट टोन्स हैं, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, अभी सर्दियां आ रही हैं मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, गर्मी आ रही है मुझे प्रॉब्लम होती है, और अगर नहीं भी होती, यू कैन टेल देम कि देयर आर ऑलवेज एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो कि आपकी स्किन को खराब कर रहे होते हैं। आप अपनी थ्योरी अपनी पोस्ट के अंदर, अपनी आप जो आपकी बायो अभी एक नया आपके पास एरिया आया फेसबुक में, उसमें ये डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को कि आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, तो आप उनको सोल्यूशन बता सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के। नाउ दिस इज ऑल्सो सेलिंग, क्योंकि ये सोल्यूशन, ये कंसल्टेंसी, ये डायरेक्ट सेलिंग कि आपके लोगों को डायरेक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट के साथ। फिर इसके बाद एक सेलिंग का मेथड होता है ऑक्शन। ये जो ऑक्शन सेलिंग होती है, इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास जैसा कि आप फेसबुक पे कोई पोस्ट अपनी लगा देते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, एक डेमो दे रहे होते हैं, ब्यूटी डेमो दे दिया आपने, ठीक है, मेकअप का डेमो दे दिया आपने,
दिस इज एन ऑक्शन बेसिकली। इसके लिए आप एक नया डोर पे ओपन करते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, डिफरेंट कैटेगरी के कंज्यूमर्स के लिए, जो कि आपकी प्रोडक्ट को देख के, उसका रिजल्ट देख के उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑक्शन। ठीक है, कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ब्यूटी डेमोस कर रहे हैं, आप टेस्टिमनीज ले रहे हैं लोगों के, आप प्रोडक्ट का यूजेज दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं। यू कैन डू दैट ऑन फेसबुक। सो दिस इज समथिंग, एक ओपन डोर है सबके लिए। फिर इसके बाद आपके पास दो कैटेगरीज है, इनको मैं मर्ज कर रहा हूँ। ओपन सोर्स और कोल्ड कॉलिंग की कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। ओपन सोर्स या कोल्ड कॉलिंग की कैटेगरी के अंदर, जैसा कि नेम इसका है, इसी तरह इसका भी मतलब है, ब्रीफली आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिएगा कि जो सोर्स, ओपन सोर्स मींस कि आपने किसी के लिए ओपन कर दिया एक सोर्स, वंस अगेन आपने एक डोर भी ओपन कर दिया, जस्ट लाइक ऑप्शन कि आप लोगों को एक, आपके पास एक प्रोडक्ट रेंज है जो कि एक जगह पे मेंशन है सारी की सारी, जैसे कि आपकी कैटलॉग है। ठीक है, आपके पास एक कैटलॉग है जिसको आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। आपके पास pk.olivium.com है जी, आप वो वेबसाइट कभी भी ओपन करके तो उसके ऊपर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट पूरी की पूरी रेंज दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके ऊपर जाके जब आप उस फोरम को प्रमोट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनसे आपको सेल इंक्रीज कर जाती है आपकी। फिर होती है आपकी कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग के अंदर आपके वो लोग जिनको आप नहीं जानते, आप उनको अप्रोच करते हैं, आप उनको टच करते हैं, आप उनको ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, सो नाउ दैट इज समथिंग जिससे आपको अमेजिंगली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नाउ दैट इज समथिंग जो कि आपके लिए एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, वंस अगेन मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शंस को याद रखने की कोशिश कीजिएगा और फिर मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे लेके चलता हूँ। आप लोगों के जितने क्वेश्चन जो है आई विल एड्रेस देम एज वेल, जैसा कि आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं पहले एड्रेस कर दूंगा, उसके बाद आपको, आप इसको मजीद आगे लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके और भी क्वेश्चन हुए, कोई हटके भी हुए तो यू कैन आस्क देम। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं वंस अगेन जी, रिपीट कर रहा हूँ, सेलिंग के जो मैंने अभी तक आपको मेथड्स बताए हैं उसमें कंसल्टेटिव सेलिंग आती है, डायरेक्ट सेलिंग आती है, सॉल्यूशन सेलिंग आ जाती है, ऑप्शन सेलिंग आ जाती है, ओपन सोर्स और कोल्ड कॉलिंग आ जाती है। कोल्ड कॉलिंग के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे, जब आप फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट को बूस्ट कर रहे होते हैं ना, विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो आप किन लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं, उन लोगों को जिनको आप नहीं जानते। आप जब उन लोगों को, जब आप किसी मॉल में खड़े होते हैं या आप किसी स्कूल में चले जाते हैं, किसी बिजनेस एंटिटी पे चले जाते हैं, किसी ऑफिस में चले जाते हैं, नाउ दीज आर दोस पीपल जिनको आप नहीं जानते ना, और वहां पे जाके जब भी आप उनको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, जब आप उनको बताते हैं कि आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली आपके कोल्ड प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिनको आप नहीं जानते, और इसी चीज को हम कहते हैं, अगर हमें कैटेगराइज करना हो तो इसे हम कोल्ड कॉलिंग में कह सकते हैं। ऐसे लोगों को टच करना जो कि, जिनको आप नहीं जानते। ठीक है, और वो कॉल्स के थ्रू भी, कॉल का मतलब ये नहीं है कि आप, कॉलिंग का मतलब ये नहीं कि आप कॉल्स कर रहे हैं लोगों को, इट मींस कि आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक फॉरम या अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। वंस अगेन दैट कैन बी समथिंग जो कि अगर आप एक अपना छोटा सा आप सेटअप लेके किसी मॉल के अंदर बैठ जाए, कोई क्योस लेके बैठ जाए, या आप कोई जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कोई शॉप होती है ना, उस वो भी एक किस्म की कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग ही हो रही होती है उनकी, लेकिन ओरिजिनली के अंदर वी डोंट हैव शॉप्स और समथिंग लाइक दिस। तो हम बात करें स्टॉल की, तो आप स्टॉल के ऊपर बैठ के जब लोगों को टच कर रहे होते हैं, उन लोगों से बात कर रहे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, इस ये सारी की सारी आपके पास कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग में आ जाती है। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग में आ जाती है। कंसल्टेटिव सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सॉल्यूशन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग, और इसके बाद ओपन सोर्स और कोल्ड कॉलिंग, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ये आपके बिजनेस पे बिल्कुल अप्लाई होते हैं, एंड दीज आर फ्यू सेलिंग टेक्निक्स। कंसल्टेंट इसके अंदर, अगर आप फॉर एग्जांपल सब पे काम नहीं कर सकते, कुछ एरियाज पे काम कर सकते हैं, जैसे कंसल्टेटिव इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी मच रेलेवेंट, आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर सोल्यूशन सेलिंग या ऑप्शन, ये तीन एरियाज ऐसे हैं सेलिंग के जिनके ऊपर आप इमीडिएट बेसिस पे काम कर सकते हैं। Once again, आप तब सक्सेसफुल होंगे जब आपके पास सफिशियंट नॉलेज होगा। ठीक है, फिर आप नॉलेज और जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आपको चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस के फिर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं खुद भी, तो
इस तरह आपका बिजनेस भी साथ साथ एक्सपेंड होता है। लिहाजा फोकस ऑन कंसल्टेटिव सेलिंग, सोल्यूशन सेलिंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपनी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। ये तो हमने अभी बात की अपनी टेंजिबल प्रोडक्ट्स की, ठीक है, आप किस तरीके से इनको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोल्यूशन सेलिंग की तरफ आते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, हार्डकोर प्रोडक्ट्स, आपकी जो आइटम्स हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वही लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जोन सा है लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता के भी उनकी लाइफ में आसानी देते हैं, लोगों को आप अपने नेटवर्क का हिस्सा बना के बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपकी जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है जो कि आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके जरिए आप लोगों की लाइफ को चेंज करें। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अभी जिनको समझ ही नहीं आती उन्होंने लाइफ में करना क्या है, क्या उन्होंने नौकरी करनी है, क्या उन्होंने किसी, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश, जवानों की तो खास तरह की ख्वाहिश होती है कि दूसरे मुल्क में चले जाएं। मैं नहीं कह रहा है गलत है या सही है, आई डोंट नो दैट, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनको आप गाइड कर सकते हैं कि बाय द टाइम वो किसी कंक्लूजन को पहुंचते हैं दे कैन ट्राई दिस बिजनेस। अब नाउ अगर वो इस बिजनेस में इन होते हैं, वो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, देयर इज नथिंग टू लूज, लेकिन उनका टाइम प्रोडक्टिव हो जाएगा, उनको सीखने को भी मिलेगा, सिखाने को भी मिलेगा, बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा, हो सकता है अगर वो टाइटल्स विन करें, थोड़ा सा सीरियसली बिजनेस को लें, उनकी इनकम भी अच्छी हो जाए, हो सकता है वो इंटरनेशनल ट्रिप्स ओरिफ्लेम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, आप सबको तो इस चीज का पता है ना कि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे मौजूद हैं, आप में से बहुत सारे लोग अभी मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे इसके अंदर ही, मुझे तो मल्टीपल लोग यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं जिनसे मैं कॉन्टेक्ट कर चुका हूँ आने वाली गोल्ड कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि विन कर रहे हैं, दे आर ऑन ट्रैक बेसिकली। ठीक है, सो इसी तरह आप लोग भी विन कर सकते हैं कि आपके वो लोग जिनको आप ओरिफ्लेम के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप्स विन कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ग्रोथ टूल्स हैं, आपके पास इंटेंजिबल ऑप्शन के अंदर, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर डिफरेंट चीजें हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। इनफैक्ट ओरिफ्लेम इस चीज को क्लेम करता है कि आपका कोई भी ख्वाब हो, कोई भी ख्वाब, अगर वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल से हट के है, तो ओरिफ्लेम उनको फुलफिल कर सकता है। इवन के बहुत सारे रिलीजियस ड्रीम भी ओरिफ्लेम फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है, लेकिन हम इसको क्लेम करते हैं कि कोई भी आपका ख्वाब, बच्चों को पढ़ाना है आपको पैसों की जरूरत है, किसी दूसरे मुल्क को विजिट करना है पैसों की जरूरत है, अच्छा घर चाहिए पैसों की जरूरत है, आपकी हर, आप समझ लें कि 80-90% आपकी जो रिक्वायरमेंट है, देखें आई अंडरस्टैंड के हेल्थ फैमिली दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, लेकिन आपकी हर दूसरी जरूरत जो होती है वो पैसे के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करता है जिसे आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि हमारी इनटेंजिबल ऑप्शन के अंदर भी आ जाती है, हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी आप बेसिकली लोगों को पिच कर रहे होते हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सेली एक किस्म की आप इस चीज की कर रहे होते हैं, अपसेलिंग ही कर रहे होते हैं ना अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब आप उनको एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो नाउ दैट इज समथिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास बिजनेस रन करने की वाइड ग्राउंड्स हैं, वाइडर ग्राउंड्स हैं, आपके पास ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट से हटके भी आपके पास एक चीज मौजूद है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस चीज के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, आप किस चीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उस चीज पे फोकस करें, सक्सेसफुल लीडर दोनों चीजों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि दे नेवर फॉरगेट कि हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी यूनिकनेस है, हमारी जो हम कहते हैं कि हमारी जो नेचुरल ब्यूटी इंस्पायर्ड बाय साइंस है, दैट इज समथिंग जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है, आपको यूनिक करती है बाकी सब लोगों में। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैंने इंटेंजिबल टेंजिबल की बात कर दी है, ये डिटेल्स की बात की है, मैं दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ पे अभी तक आए हुए हैं, और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है वंस अगेन काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड हो गया हमारा इस चीज के ऊपर, आगे इतना ज्यादा नहीं रहा क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ बेसिक्स पर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन इन द मीनवाइल लेट मी सी कि हमारे पास कौन सी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिएगा, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं, एक क्वेश्चन मेरे पास ये बहुत ज्यादा आता है, स्टॉक कब आएगा, एक क्वेश्चन मेरे पास ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है जी, फिर इसके बाद जो उनसे हमारे पास एक क्वेश्चन, बस ये हमारे पास दो मेन हमारे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो कि हर ट्रेनिंग में रिपीट हो रहे होते हैं,
या पुर लोग खरीदते नहीं हमारे प्रोडक्ट्स, हम बताते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। इनके हर ट्रेनिंग में एड्रेस कर रहा होता हूँ आंसर, और हर दफा हो सकता है मुख्तलिफ भी आंसर आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसके देर आर मल्टीपल सोल्यूशन टू दैट कंसर्न जी। तो सबसे पहले वंस अगेन यहाँ पे स्टॉक के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं, मैं आपको एक मुख्तलिफ आंसर देने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कहने लगा कि आप जो उनसे अवेलेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें जी जब तक प्रोडक्ट्स नहीं आती। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो ज्यादा करें। मीन्स कि अभी तक आप कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस रन कर रहे हैं। आई नो कि ओरिफ्लेम की एक प्रोडक्ट के ऊपर भी बिजनेस रन हो सकता है, और हमने देखा है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्टेज पे खड़े होके कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे बिजनेस करके उसके कंज्यूमर इतने ज्यादा डेवलप कर लिए हैं कि वो डायरेक्टर बन गए एक्चुअली। ठीक है, सीनियर मैनेजर टाइटल हासिल किया, फिर डायरेक्टर बन गए। तो प्रोडक्ट तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाई फ्यू प्रोडक्ट्स ओनली। हमारे पास हंड्रेड्स में वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो व्हाई डू यू वांट टू प्ले ऑन समथिंग जो कि ऑलरेडी सारे लोग उसकी उनकी प्रायोरिटी है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, देखिए आई लाइक शुगर स्क्रब एज वेल, कोई मेरी कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसी चीज नहीं है, आई रियली लव ऑल दीज प्रोडक्ट्स, लेकिन व्हाई ओनली शुगर स्क्रब? शुगर स्क्रब अगर नहीं होगा तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। यू हैव मल्टीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, आपके पास सैकड़ों के लिहाज से प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। उसका फायदा ये होगा कि शुगर स्क्रब तो एक रनिंग आइटम है, जैसे ही वो आता है आपका खत्म हो जाता है, उसका कंज्यूमर तो पहले ही बैठा हुआ है। तो व्हाई डोंट यू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग अदर प्रोडक्ट्स? ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस आ गई, एक्सेसरीज आ गई, ओरिफ्लेम की अदर बेतहाशा ऐसी प्रोडक्शन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है जिनके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे। व्हाई डोंट यू डू दैट? उसका फायदा पता है क्या होगा? आपके पास शुगर स्क्रब का कस्टमर तो रहेगा ही रहेगा, वो तो सबके पास है, लेकिन होगा ये कि आपके पास एक ऐसी चीज का भी कंज्यूमर डेवलप हो जाएगा जिसके ऊपर बाकी के लोग काम नहीं कर रहे अभी। तो आपको वही प्रोडक्ट, आप जब उसका एक कंज्यूमर उसकी एडवर्टीजमेंट ही करेंगे, तो आप यकीन करें आपको जब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा तो आप फिर उसको संभाल नहीं सकेंगे, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि कोई और लोग काम ही नहीं कर रहे उसके ऊपर। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक दिस, ठीक है। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर काम करना शुरू करें, उनको एडवर्टाइज करें, और आपको ऑटोमेटिकली कंज्यूमर उसका मिलेगा। वंस अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमें एट टाइम्स लगता है कि ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। मैंने इसकी एग्जाम्पल अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग में भी दी थी कि मैं एक शॉप के आगे से डेली गुजरता था और मैंने कभी जिंदगी में वहां पर कस्टमर नहीं देखा कि वहां पर कस्टमर खड़ा हो। और जब मैंने एक दफा अंदर जाके उनसे पूछा कि एक साल से मैं देख रहा हूँ आपके पास कस्टमर कोई नहीं होता, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? कहते हैं नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है हमारा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमने तो एक और ब्रांच ओपन कर लिया है। तो बताने का मकसद यह है कि देर आर कस्टमर्स, यू डोंट नो वेयर दे आर जब तक कि आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे, आप जब तक कि उनको अपनी अपॉर्चुनिटी या आप अपनी प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट, थोड़ी सी हट के प्रोडक्ट रेंज आप उनको जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो आपके कंज्यूमर नहीं बनेंगे। तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी, थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करें और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें। हमारा चैलेंज रहेगा, हमारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं बनती, लोकल फैक्ट्रियों में नहीं बन रही जहां पे हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर लें। हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए और इम्पोर्ट होके आती है हमारी प्रोडक्ट्स। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है और आपको पता है पेंडेमिक की वजह से और चीजें वर्सन हुई हुई हैं। इस टाइम कई जगह पे प्रोडक्शन रुकी होती है, कई जगह पे जो कंटेनर्स आ रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, उनके सारे एसओपीज को फॉलो करना बहुत लेंथी हो गया हुआ है। तो अपने माइंड में रखें कि ये चैलेंज हमारे पास एक रहेगा, हमारे बिजनेस का जो एक कंस्ट्रेंट है वो सिर्फ यही है। लेकिन अल्लाह ने चाहा अगर हम ग्रो करते हैं, हम सब मिलके काम करते हैं, आप लोगों का बिजनेस ग्रो होता है, तो कोई पता नहीं पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑप्शन आ जाए कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, तो हो सकता है ओरिफ्लेम अपना जो छवां सातवां आठवां जो यूनिट उन्होंने लगाना उनमें कहीं पाकिस्तान का नाम भी हो। लेकिन उसके लिए वी नीड टू वर्क टूगेदर वंस एंड फॉर ऑल। हमारे पास बहुत अच्छा इसका एक इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी और बहुत अच्छा एक सोल्यूशन भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए वी नीड टू वर्क टूगेदर एंड वी नीड टू फोकस ऑन एवरी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनीज रन नहीं होती, ना ही आपका बिजनेस रन होगा, ठीक है। लिहाजा अपने लिए डोर्स बंद ना करें, बाकी के डोर्स ओपन करके रखें, ठीक है।
एक तो ये आपका आंसर प्रोडक्ट के हवाले से कौन सा मैंने आंसर कर दिया, मैक्सिमम लोगों का इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सेकंड, जब लोग प्रोडक्ट खरीदते नहीं है आपसे इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि लोग आपसे जैसे आप शॉप पे जाते हैं आपसे इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, वो आपके आप उनके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। आपके पास वो शख्स जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है वो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है, वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कहीं ना कहीं सुन के वो हो सकता है आपको दोबारा कॉन्टेक्ट करें। लिहाजा ट्राई करें कि आप हर लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करें, कभी भी जज ना करें कि ये बिजनेस कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दें, फोर्स करने की जरूरत नहीं है किसी को कोई चीज खरीदने के लिए, ऑप्शन दें, ओपन चॉइस रखें, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक हो गया। और बिल्कुल ऐसे होता है, हर बिजनेस में ऐसे होता है कि आप लोगों को डिटेल्स बताते हैं और फिर वो प्राइस पूछ के चले जाते हैं, इसमें दिल टूटने वाली कोई बात नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। अच्छा जी, अब वंस अगेन एक्सपेंसिव, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मेरे पास आई हुई थी, फ्रेग्रेंसेस जो होते हैं वो थोड़े ओरिफ्लेम के एक्सपेंसिव हैं। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज एक्सप्लोर द मार्केट, मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। एक चैलेंज आपको ये आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी परफ्यूम या फ्रेग्रेंस मार्केट में जेन्युइन है और कौन सी कंसंट्रेशन पड़ी हुई है उसकी। यानी कि इतनी ज्यादा कॉपीज बन चुकी हैं आपकी फ्रेग्रेंसेस की मार्केट में, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस की, कि आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी खराब है, कोई कौन सी यहाँ पे फिल करके रखी हुई है इन्होंने। ठीक हो गया। एक तो ये आपको चैलेंज आएगा, दूसरा आपको ये चैलेंज आएगा कि आपको एक्सपेंसिव का असल में तब पता चलेगा कि एक्सपेंसिव होता क्या है, कि आपको जब 10,000 15,000 20,000 25,000 की वो फ्रेग्रेंस मिलेगी जो कि पूरी दुनिया में ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस से रेटिंग में कम है। ओरिफ्लेम के फ्रेग्रेंसेस बहुत सारे सर्वेज हमें बताते हैं कि टॉप 10 में आती हैं, और बहुत सारे सर्वेज ये बताते हैं कि टॉप 4 इस टाइम चौथे नंबर के ऊपर है ओरिफ्लेम। पिछले कुछ सालों से ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस दुनिया में फोर्थ नंबर पे आ रही है, आम फ्रेग्रेंसेस नहीं है, हमारे परफ्यूम्स आम नहीं है, ये याद रखिएगा। एक, हमारे पास अल्कोहल नहीं यूज होता फ्रेग्रेंसेस में, उसकी एक रिफाइंड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है। एक ये बहुत हमारी बड़ी एज है हमारी मार्केट के लिहाज से इन फ्रेग्रेंसेस की। नंबर सेकंड, जो ओरिफ्लेम के फ्रेग्रेंसेस है ना, इनको ट्राई करके देखें, इनके प्राइस को देखें। आपको एक्चुअली, मैं अगर आप मुझे कहते हैं ना ओरिफ्लेम के फ्रेग्रेंसेस एक्सपेंसिव है, तो यकीन करें फिर आप प्लीज सर्वे द मार्केट, आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा कि मार्केट में कितनी ज्यादा जोनसी हैं वो फ्रेग्रेंसेस की प्राइसेस हैं। सेकेंडली, इतनी अच्छी नहीं है, दो नंबर भी हो सकती है। ओरिफ्लेम आपको जेन्युइन गारंटीड फ्रेग्रेंस देता है, ये नहीं है कि आप मार्केट में कहीं पे भी जाके खरीद लें, डायरेक्ट ऑफिस से आपको चीजें मिलती है। ठीक है, तो आप कंसल्टेंट है तो आप इसको ट्राई, सर्च द मार्केट। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है ये, लेकिन आई डू रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, आपने ये क्वेश्चन किया, दैट इज समथिंग जो कि मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन करें ताकि आप लोग जो उनसे हैं ग्रो कर सकें, आपके माइंड के अंदर जो एम्बिग्यूटीज हैं वो हल हो सकें। आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको कभी भी आंसर्स नहीं मिलेंगे और आपको वेज नहीं मिलेंगे, तो डू कीप आस्किंग क्वेश्चंस। आपको मैं ये चीज गारंटी कर सकता हूँ कि ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस जो टॉप 10 में आती हैं दुनिया में, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, वो ये है कि ये जेन्युइन फ्रेग्रेंसेस हैं और एक्चुअली वही नोजर्स बना रहे हैं जो कि दुनिया के बड़े बड़े नोजर्स हैं, जो कि बड़े बड़े आप समझ लें कि जैसे कि मल्टीपल, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन दुनिया की जो एक्सपेंसिव तरीन फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं वही नोजर्स हमारे पास हो रही थे। ठीक है, तो आपको बहुत लेस प्राइस के ऊपर, आप एक्सपेंसिव कह रहे हैं, मैं कहता हूँ बहुत लेस प्राइस के ऊपर आपको फ्रेग्रेंसेस मिलेंगे। सेकेंडली, जब भी आप प्राइस देखते हैं किसी चीज की, आप जब उसको उसके फीचर्स और वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको उसकी वर्थ का पता चलता है कि क्या वाकई एक्सपेंसिव है या नहीं है। तो हर वो चीज जो कि अपनी वैल्यू और अपने फीचर्स को जस्टिफाई नहीं करती प्राइस वाइज, वो आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव है, जबकि ओरिफ्लेम पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। ठीक है, एक्सपेंसिव को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द राइट टर्म फॉर कॉलिंग इट एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता होता हूँ कि एक लैपटॉप है जो कि 8th जनरेशन का लैपटॉप है, वो आपको 30,000 का मिलता है,
एट्थ जनरेशन का लैपटॉप, 1 TB हार्ड डिस्क है, अच्छा डिस्प्ले है, रैम उसकी 8 GB है, आपको वो 30,000 का मिलता है ब्रांड न्यू विद 1 ईयर वारंटी। अब ये 30,000 का है, जबकि आपको अगर एक पानी का ग्लास, एक शीशे का ग्लास जो कि आम शीशे का बना हुआ है, और वो आपको मिल जाता है जी 2,000 रुपए का, तो इनमें से एक्सपेंसिव क्या चीज होगी? इसमें एक्सपेंसिव होगा वो ग्लास जिसमें आपने सिर्फ पानी पीना है, ठीक है, और वो आम शीशे का बना हुआ है, वो 2,000 रुपए का आपको मिलेगा। कीमत में देखने को लैपटॉप ज्यादा अमाउंट का है, लेकिन इसमें फीचर्स ज्यादा है, इसमें वैल्यू ज्यादा है। आप इसको इंटरनेट ज्यादा लैपटॉप की है, फिर भी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि ग्लास ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि वो अपने फीचर और वैल्यू को, अपने काम को जस्टिफाई नहीं करता। लिहाजा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी बाइंग पावर से बाहर है, हो सकता है मेरी बाइंग पावर से बाहर हो लैपटॉप, मैं 30,000 का लैपटॉप ना खरीद सकूं, हो सकता है मैं 2,000 रुपए का ग्लास खरीद सकूं, ठीक है, तो ये एक अलग चीज होती है, बाइंग पावर इज समथिंग एल्स। लिहाजा अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी बाइंग पावर नहीं है, तो आप उनको ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं, आप उनको सर्टेन टारगेट दे के, उनसे पूछने के बाद कि अगर उनको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पसंद है, आप उनको सेल्स एक्शन और मल्टीपल अदर ऑप्शन बता के उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक शख्स आता है, वो कहता है मुझे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास इतनी जेब में इस्तेमाल नहीं है, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं, तो मैं उसे कहूंगा डोंट वरी, आप एक काम करो, आपके पास जो आपका सोशल सर्कल है, ये मैं आपको कैटलॉग में कुछ प्रोडक्ट्स हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये फ्रेग्रेंसेस अपने कलीग्स में और बाकी लोगों में प्रमोट करें। अगर आपको 30 डेज में 10,000 का ऑर्डर मिल जाता है, तो 2,000 रुपए की शॉपिंग मैं आपको करवाऊंगा फ्री, 2,000 रुपए की आपके लिए फ्री गिफ्ट्स है, बाकी क्या प्रमोट करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी दूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं सेल्स एक्शन दे दूंगा उनको, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि ये क्या होगा, वो शख्स जो कि खरीद नहीं सकता, उसको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई है, वो भी इस वे में बताई है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो 3-4 दफा या आपके साथ 1 दफा या 2 दफा वो प्रोडक्ट ट्राई करेगा, आप उसको भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, हो सकता है वो पूछे कि आपका ये बिजनेस क्या है, आप इतने पैसे तो मुझे दे देते हैं तो आपको कितने बचते हैं, ये बिजनेस है ये क्या है, इतनी ऑप्शन आपको कैसे मिल रही है, या मौका दे के खुद ही बात कर लें और उसे ऑफर कर दें कि जेन्युइन बिजनेस करना है कंप्लीटली, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो आप उनको अपने कोर टीम मेंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हो सकता है कल को वो लीडर भी बने, ठीक है। तो बताने का मकसद ये आपको कि देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि हमारे पास ऐसे हैं जो कि अपनी शॉपिंग ही लाखों में कर लेते हैं, ठीक है, हजारों में शॉपिंग कर लेते हैं, लाखों में शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे लीडर्स में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि थाउजेंड ऑफ रुपीज खर्च करते हैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में, और जब वो बिजनेस नहीं भी रन कर रहे थे तब भी वो खर्च कर रहे थे। एंड देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है पैसे खर्च करते हुए, जेब इजाजत नहीं देती, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, हमारी जो ऑप्शन ओरिफ्लेम की है वो सबके लिए है, ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप उसको किस एंड से ग्रैब करते हैं, आप किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को लोगों को बताते हैं, क्या उनके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, या सेल्स पर्सन बनने में, दैट इज योर कॉल टू मेक, दैट इज योर एनालिसिस टू मेक, आपने इस बारे में देखना है, आपने एनालाइज करना है, आपने सीखना है, आप ये सिर्फ तब कर सकेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आप चीजों को समझेंगे, ठीक हो गया। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है और आप इस चीज के ऊपर एरिया पे काम करके हर एक को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ जी, यहाँ से मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, अजाने आपको पता जुम्मा स्टार्ट हो गया जी, और हम इसको अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह रैप अप करेंगे जी। सर, लोग सिंपल फेस वॉश तक लेने को तैयार नहीं होते, कॉस्टली कहते हैं, मैंने आपको इसकी एग्जांपल बता दी है, मैम शबाना अगर वो खरीदते नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंड कमेंट्स। टेस्टर्स, अच्छा जी, आप देखिएगा मैन परफ्यूम्स के टेस्टर नहीं होते मैम नादिया, प्लीज गेट इन टच विद योर लीडर, गेट इन टच विद योर ASM, अगर मैं आपका ASM हूं मुझे बताइएगा, टेस्टर्स हमारे पास बेतहाशा पड़े रहे हैं, लोगों ने नहीं खरीदे, शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं थी क्या थी, यू कैन बाय दोस टेस्टर्स ना, अब वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के टेस्टर्स आते हैं, अभी ये दोबारा आएंगे, प्लीज स्टे इन टच विद योर ASM,
और स्टे इन टच विद योर लीडर्स बेसिकली, और उनसे कि हम अपने एएसएम के साथ टच रहे, इन टच रहे, और हमारे पास टेस्टर्स इस तरह के जो कि फ्रेग्रेंसेस वगैरह के और कुछ प्रोडक्ट्स के लिमिटेड, यू कैन परचेज देम, ठीक है, वो आपको इस तरह के मिल सकते हैं, यू कैन ट्राई देम। और ये बड़े लार्ज ग्रुप को मैं बता रहा हूँ इस टाइम की, ये ऑप्शन हमारे पास टाइम टू टाइम अवेलेबल होती है, लिमिटेड होती है लेकिन होती है अवेलेबल, बट यू नीड टू परचेज इट। लीडर खरीद के आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड, आप टेस्टर्स अपनी बची प्रोडक्ट्स के भी यूज कर सकते हैं। सर, कुछ मेंबर्स ज्वाइनिंग के बाद कहते हैं कि हम विलेज में रहते हैं, हम कैसे प्रोडक्ट सेल करें, इसकी लॉजिकल आंसर क्या दूं उनको? जी हसीब चौधरी साहब, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे मैम बुशरा की एग्जाम्पल है। मैम बुशरा का ताल्लुक उस विलेज से है, ठीक है, हमारी गोल्ड स्टेम डायरेक्टर है, लाख इस टाइम की सिक्स डिजिट्स में अर्निंग है, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितनी है, लेकिन सिक्स डिजिट्स में अर्निंग है, यानी कि एक लाख से ज्यादा की अर्निंग है, ठीक है, हो सकता है दो लाख से भी ज्यादा की हो, लेकिन बताने का मकसद यह है, कैन नॉट डिस्क्लोज यू कि उनकी अर्निंग कितनी है, लेकिन सिक्स डिजिट्स में उनकी अर्निंग है। जहां पे वो रहती थी हसीब चौधरी साहब, जहां पे वो रहती थी वहां पे डिलीवरी नहीं जाती थी ओरिफ्लेम की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके फादर एक सर्टन पॉइंट्स पे जाके डिलीवरी लेके आते थे, फिर वो आगे डिस्पैच करवाते थे बाकी के कंज्यूमर्स को। शी इज अ गोल्ड डायरेक्टर, और मैं उनकी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इसलिए, और मेरे पास इस तरह के बाय द वे मल्टीपल लोग हैं। नाउ आफ्टर बिकमिंग गोल्ड डायरेक्टर शी हैज मूव टू द सिटी, और वो अपने टेस्टिमोनियल में ये बता चुकी हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है और इसलिए मेरा सोर्स बना है, और मैं अब मेरे पास यहाँ पे भी जगह शहर में भी रहने के लिए। बताने का मकसद आपको ये है कि मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी जब आपके पास डिलीवरी ना आ रही हो, विलेज में लोगों को अवेयरनेस देना जहां पे एजुकेशन कम है फॉर एग्जांपल, अब डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें, लेकिन सीप साहब यू विल फाइंड अ वे आउट, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ये आपने इसका वे आउट फाइंड करना है और आपने इसके ऊपर काम करना है। मैं आपको इसका लॉजिकल आंसर एक एग्जाम्पल के जरिए दे सकता था सिर्फ, और आप लीडर्स से इस चीज के बारे में सीख सकते हैं कैसे अवेयरनेस देनी है, कैसे बताना है। वंस अगेन मैंने आपको बताया है, आपके अगर विलेज के लोग भी हैं, आपके गांव के लोग भी हैं, उनके पास भी मल्टीपल सोशल सर्कल्स होंगे, ठीक है, उनमें से किसका सोशल सर्कल बड़ा है, गेट इन टच विद दोस पीपल। और अगर आपको वहां से रिजल्ट नहीं मिलता विलेज से, आप डिफरेंट जगहों पे भी ट्राई कर सकते हो, हो सकता है आपके विलेज में इतना पोटेंशियल ना हो जितना मैम बुशरा के हो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कोई खराब है या ठीक है। और वंस अगेन जब मैंने आपको बताया ओरिफ्लेम में हर तरह के लोग मौजूद हैं, ऐसे जो कि अपने लिए हजारों की शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसे जो कि नहीं खरीद सकते, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, ये अपने माइंड में रखिएगा। मैं अपनी एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। हो सकता है मैं पुअर हूँ, हो सकता है मैं ना खरीद सकता हूँ, मेरी जेब इस्तेमाल ना देती हो, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स बेसिकली। जिंदगी में मुख्तलिफ लोगों की बाइंग पावर डिफरेंट होती है, इस्तेमाल डिफरेंट होती है, एंड दिस इज हाउ इट इज बेसिकली। इसमें गलत या सही कुछ नहीं है, ठीक हो गया या बुराई नहीं है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वी विल फाइंड अ वे आउट, हम कम पैसों में भी खुश रहना सीख सकते हैं और हम ज्यादा पैसों में भी हो सकता है खुश ना रहे, तो वी नीड टू फाइंड आउट ऑन वे आउट, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा, मैं किसी को खराब या बुरा नहीं कह रहा, ना मैं आपके विलेज को खराब कह रहा हूँ, ना मैं मैम बुशरा के विलेज को अच्छा कह रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स के वी नीड टू अप्लाई एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स, अगर एक चीज एक जगह पे काम नहीं करती, ठीक है जी। अगर यूके का कोई पर्सन हो तो उसे रेट कैसे बताएं? देखें, यूके में आप अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, ठीक है, आप यहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं भिजवा सकते, हम खुद इंपोर्ट करते हैं, आप इनको आगे से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को, ठीक हो गया जी। तो यूके के अंदर ओरिफ्लेम ऑलरेडी मौजूद है, ओरिफ्लेम का अगर कोई मेंबर आप वहां पे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यूके के अंदर अभी हमारा अप्लाई नहीं हो रहा ये वाला मॉडल, लेकिन मल्टीपल अदर कंट्रीज के अंदर आप अपनी टीम बना सकते हैं, ओरिफ्लेम वैसे यूके में एग्जिस्ट करता है। स्टार्टर किट कब मिलेगी न्यू मेंबर्स को? जैसे वो अप्लाई करेंगे बिल्कुल मिल जाएगी जी। मैम सादिया, स्टॉक कब आएगा जी? वंस अगेन स्टॉक मैंने आपको बताया, चैलेंज टाइम टू टाइम जोन्स है, इसका इशू रहेगा। अब फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो अपना इंक्रीज करें, अपने नए प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर पे काम करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके पास स्टॉक कभी भी खत्म ना हो, कोई भी आइटम खत्म ना हो, ठीक है, लेकिन ये ऑनगोइंग चैलेंज है, ये पेंडेमिक से पहले भी था और ये आता रहता है और ये चलता रहता है, लिहाजा अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करें। प्रोडक्ट्स आती भी रहती हैं आपको पता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इंशाल्लाह आती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम जी। जिसको परफ्यूम के पीछे एक्सपेंसिव कहता है ऑलरेडी आंसर दे दिया जी इसका जी, काफी चीजें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं जी, बिल्कुल ये एक बिजनेस चैलेंज है, हमारा कंस्ट्रेंट है, इसी का मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बताया जी। यश ने आपके मैसेज में ग्रुप करे वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी आपके मैसेज में। अच्छा ठीक है जी, मैं रजिस्टर हुई हूँ अभी तक मैसेज नहीं आया। मैम यूस्ट्रा, मैम मेंबर ने मेरे ख्याल से आपका इस क्वेश्चन को एड्रेस भी किया है,
आपको बिल्कुल मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज pk.oriflame.com है, वहां पे हमारी वेबसाइट भी मेंशन है, अपने लीडर से इन टच हो जाए, डोंट वरी एट ऑल। आप अगर रजिस्टर हो गई, आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रही हैं, मैम युसरा आपने कहा आप अभी रजिस्टर हुई हैं, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी ट्रेनिंग में मौजूद हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम युसरा, आप और जितने भी नए लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होते हैं ना, उनके लिए हमारे पास 90 डेज का वेलकम प्रोग्राम होता है। आप इसमें तकरीबन 30,000 की अप्रोक्सीमेट आपको अमाउंट बता रहा हूँ, आपको इतनी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट मिल रहे होते हैं जो कि ओवरऑल बाकी लोगों को नहीं मिल रहे होते। जैसे वेलकम प्रोग्राम 1-2-3 मिनी वेलकम है, ये तो नए पुराने लोगों को मिल ही नहीं सकता। सेल्स एक्शन लॉयल्टी प्रोग्राम अगर चल रहा है, आप जिस जिस ऑप्शन को क्वालिफाई कर सकती है ना फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा नहीं मिलती, ठीक है। लिहाजा आप इसके बारे में अपने लीडर से कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिएगा, एंड डू नॉट मिस आउट वेलकम प्रोग्राम ऑप्शन, जो फर्स्ट 30 डे कैंपेन है उसको मिस आउट मत कीजिएगा कभी भी चल रहा है, ठीक है जी। मैं रजिस्टर हुई, अभी तक मैसेज नहीं आया, ठीक हो गया जी। चैनल बर्बरी को चेक करें, ठीक हो गया जी। कंपनी के ठीक हो गया, प्राइसेस को जी बिल्कुल, यू डोंट हैव टू नेम द कंपनी, हम इनकरेज नहीं करते इस चीज को, लेकिन यू कैन विजिट द मार्केट, ऑलवेज सी द प्राइसेस, यू विल नो के जेन्युइन है नहीं है, यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट कि ओरिफ्लेम का और बाकी के फ्रेग्रेंसेस का क्या डिफरेंस है जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। यहाँ पे क्वेश्चन कनेक्शन, हमारे परफ्यूम जनाब बहुत मुनासिब जी, बिल्कुल हैं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सेकंडिंग मी, ठीक है जी। यूके वाला मैंने ऑलरेडी भी आंसर दिया जी, मैंने आपको भी बताया। आप अच्छा, अगर आपकी सिस्टर है यूके के अंदर, तो आप आपकी सिस्टर को तो यू कैन सेंड अ गिफ्ट टू एनी वन ऑफ योर रिलेटिव्स, गिफ्ट इज समथिंग एल्स, आप किसी के हाथ भिजवाना चाहें यू कैन डू दैट, यू कैन नॉट डू एक्सपोर्ट, बट आप अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट भिजवाना चाहें तो दैट इज समथिंग यू कैन डू ना, यू कैन डू दैट, ठीक है। आपने जिस फ्रेग्रेंसेस की प्राइस पूछनी है आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके आप उसका कोड एंटर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरे पास कंटिन्यूसली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे सर प्लीज आप ओवरसीज लोगों के ऐड करने का, अच्छा जी यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है जी के ओवरसीज लोगों को कैसे ऐड करना है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आज ट्रेनिंग होगी हमारी 20 तारीख है ना, आज हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है, आपका सिस्टम V4 का चेंज हो रहा है, आपको पता है डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया हुआ है, हमने बहुत सारी नई चीजें आपके लिए कंपनी लेके आ रही है और आती रहेंगी, आज की ट्रेनिंग मिस आउट मत कीजिएगा, आपको उसके अंदर एक बहुत ही आसान तरीका, अभी अगर मैं आपको बताऊंगा ना इंटरनेशनल कैसे आप लोगों को ऐड करते हैं, तो आपको जो उनसे है ना उसमें थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है, लेकिन ये ट्रेनिंग अटेंड करें, आपको हम दिखा भी देंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, शिराज साहब प्रॉपर्ली ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, 5 बजे का इसका टाइम है, इसका लिंक अपने लीडर से ले लें, नया सिस्टम आ रहा है, आपका जो कोड आप पहले 2 हिंट से एंटर करेंगे आपको पूरा वो नजर आ जाएगा, प्रोडक्ट कौन सा है, मल्टीपल उसके आसपास के जो कोड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ जाएंगी, और इसके अलावा आपकी ऑर्डरिंग बहुत फास्ट हो गई है, एफिशिएंट हो गई है ऑर्डरिंग, मल्टीपल अदर ऑप्शंस आ गई है, क्यूमुलस सॉफ्टवेयर का नाम है जी हमारा जो V4 को रिप्लेस कर रहा है, बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी ट्रेनिंग मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है जी। 5 बजे ट्रेनिंग है और अगर आप उस ट्रेनिंग में आएंगे जी तो जरूर आप बताइएगा कि जोन से, आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप जॉइन दैट ट्रेनिंग, तो उसके अंदर लिखिएगा कि आपने उस ट्रेनिंग से रेफरेंस दीजिएगा, सुबह की ट्रेनिंग आई एम फ्रॉम द मॉर्निंग ट्रेनिंग जी, तो जरूर रेफरेंस दीजिएगा ताकि आई कुड सी योर कमेंट्स एज वेल, तो थैंक यू वेरी मच जी ऑल फॉर ज्वाइनिंग। COD options अगर हर सिटी से जी बिल्कुल, हम इस पे काम कर रहे हैं मैम ज़ोरा, हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट किया जाए डिलीवरी के लिहाज से भी, और अभी मेरे पास ना वाकई थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंड कमेंट्स, आपके जो अप्रिसिएशन है आई रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड कमेंट्स का। मेरे पास ना प्राइवेट के अंदर भी और अब मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस हो गए हैं ना, मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ मैसेजेस या कुछ क्वेश्चन मेरे से इग्नोर से मुराद है कि मिस आउट हो जाएंगे, तो उसके लिए सर इस्लामाबाद में मैम राबिया बिल्कुल है जी, COD है इस्लामाबाद के अंदर, ऐसा नहीं है इस्लामाबाद का, बल्कि आपको ऑप्शन भी अलग से नजर आ रहा है आप कोरियर के लिए, तो आप बिल्कुल COD इस्लामाबाद सिटी के अंदर मौजूद है जी, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन जी फॉर योर काइंड कमेंट्स, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आपको पता है जुमे का दिन भी है,
तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे, हम सबको कामयाब करे एंड कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइनिंग का, और मिस ना कीजिएगा 5 बजे वाला सेशन, शिदा साहब कंडक्ट कर रहे हैं नए हमारे सेशन के ऊपर, इसके ऊपर जो हमारा नया सॉफ्टवेयर आया है कुमलस, उसके ऊपर। प्लीज डू नॉट मिस दैट सेशन जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी, और हैव अ नाइस वीकेंड, और जुम्मा मुबारक आप सबको जी। अल्लाह हाफिज़।